कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहल्ला रामपुरी के लोगों ने सड़क के निर्माण कार्य का विरोध किया। लोगों ने कहा कि ठेकेदार उल्टी दिशा से सड़क निर्माण करा रहा है, जिससे पानी का बहाव गलत हो जाएगा और बरसात में मोहल्ला वासियों को पानी में डूबने पर मजबूर होना पड़ेगा। एडवोकेट सरिता गौड के नेतृत्व में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कहा कि वहां डूडा के प्रस्ताव पर सड़क निर्माण चल रहा है, सभी सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बनवाई गई हैं। उनका बहाव भी इसी दिशा की ओर है, जबकि रामपुरी में एक सड़क का निर्माण दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो रहा है, जल निकासी भी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उन्होंने बताया कि रामपुरी मोहल्ला पहले से ही निकासी की समस्या से परेशान है, अगर ये सड़क बन गई तो बरसात में जल निकासी अवरुद्ध हो जाएगी और लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। गंभीर रुख अपनाने की उठाई मांग, लोगों द्वारा मांग की गई कि निर्माण कार्य सही दिशा में कराया जाए, पानी का लेवल भी सही किया जाए। सैकड़ों लोगों ने डीएम को ज्ञापन देकर इस मामले में डूडा विभाग से गंभीर रुख अपनाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य गलत दिशा में कराया गया तो मोहल्ला वासी आंदोलन करेंगे। रामपुरी से है ये, हमारे पानी का के निर्माण के लिए है ये, और क्या नाम है, पानी हमारी तरफ को छोड़ा जा रहा है, इसके लिए हम सभी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे है, और ये गलत है तरीका। जिस जगह का पानी हो उस जगह को ही जाना चाहिए पानी। जो है आपके अशोक वर्मा की है जो, वो कह रहे हैं कि यार इधर के आदमियों को दमंग बता रहे हैं कि वे मारपीट करने आए हैं, लुटेरे हैं, तो ये बताओ ये गलत तरीका है ना। और हमारे घर की स्थिति यह है कि हमारे घर में इतना इतना पानी भर जाता है, 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है, हमारे सामान भी खराब हो जाता है सब, लेकिन कोई यह कह के झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चाहे जाके देख लो वहाँ पे कि हमारे घर में। किससे? यहाँ पे डीएम से। इसका नहीं मुझे पता, लेकिन स्थिति हमारी गली की खराब है बहुत ज्यादा है, जहाँ पे पानी जाना चाहिए वहीं को जाना चाहिए। दो तीन तीन चार तीन चार गलियों का पानी है जो इधर को छोड़ा जा रहा है। वो इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे दोनों तरह का, जैसे भी सही लगेगा वैसे करेंगे।